नमस्कार, मैं श्याम पटेल और आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़। और सावधान छत्तीसगढ़ आप मतलब हमेशा सजग सहज रह बकई थे और हमेशा कहत रही। तो संगवारी हो, आज हमारे पहुँचे हैं फिल्म के प्रमोशन में और ये मेरे चलत है तहीं बनबे मोर दुल्हनिया, जेन हाँ 19 तारीख के आने वाले है, जेखर प्रमोशन चलत है और ओखर लिए पूरा जो वो फिल्म के निर्देशक है, राइटर है या कहा जाए एक्टर है, वो सबों के सबों आए हैं। अनिकृति जी आए हैं, दिलेश जी आए हैं, जीत जी आए हैं, अनिल शर्मा जी आए हैं, प्रोड्यूसर मैम जी आए हैं। तो एमन से चलो हमन सीधा चर्चा करबो। आप मन देख सकते हो ये जो लोगन की भीड़ है, ये प्रेस वार्ता भी रही से मान के चलो, और कहा जाए तो जतका सोशल मीडिया है के जो लोगन है ते मतलब बुलाया गया रही से प्रमोशन के खातिर। और साथ ही हमारे पास में नीरा मैम हैं, अनिल जी हैं, मतलब कहा जाए तो प्रोडक्शन हाउस के सब्बे लोगन मन एक नहीं उपस्थित हैं। हमन बात करते हैं तो आप सीधा हम नीरा मैम से बात करते हैं जो ये फिल्म के निर्देशक हैं। मैम आप मन के स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। अच्छा मैम, उन्नीस जनवरी की आप मन के फिल्म में आए थे तहीं मोर दुल्हनिया करके, तहीं बनबे मोर दुल्हनिया दुल्हनिया जी, जेखर आप मन निर्देशन करे हो, है ना, तो एक बारे में कुछ बताते हो मैम कि कैसे रही से फिल्म के कहानी और कैसे टाइप से फिल्म आप मन बनाए हो, कतका संघर्ष करना पड़ी एक बारे में। तही बन बे मोर दुल्हनिया मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट दोनों किया है मूवी को, और इसकी प्लानिंग कोविड के टाइम पे हम लोगों ने की थी, मैंने और मेरे बेटे ने डिसाइड किया, और उसके बाद में हमने स्टोरी प्लान की, और उसके बाद इसका जो एक्चुअल मूवी जो हमने स्टार्ट की वो कोविड ओवर होने के बाद में स्टार्ट हुई है हमारी मूवी। और ये एक मसाला मूवी है और बहुत टेक्निकली साउंड मूवी है, और इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है लोग इसको पसंद करेंगे पिक्चर को, और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के मंजे हुए कलाकार हैं। ये अब तक की बड़े बजट की मूवी है सबसे। जैसे मैम हमने कई सारे फिल्में देखा है कि हर कोई मतलब प्रमोशन के टाइम में ऐसा बोलता है कि इसमें एक्शन है, मार धाड़ है, प्यार मोहब्बत है, रोमांस है, हर एक चीज़ पारिवारिक फिल्म है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पब्लिक आती है टॉकीज तक, फिल्म देखती भी है, देखने के बाद में उन्हें वो मज़ा नहीं मिलता, क्या उसमें इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? अभी देखिए आप, हमारा डेट अनाउंसमेंट जो फर्स्ट लुक है वो आ चुका है, हमारा ट्रेलर आ चुका है, हमारे दो गाने आ चुके हैं, एक गाना और अभी 6 जनवरी को आ रहा है, तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मूवी कैसी है। और ये पूरी तरह से टेक्निकली साउंड मूवी है, जिसको हमने ये दिमाग में रख के बनाया है कि जो अर्बन ऑडियंस है यहाँ की, जो यंग जनरेशन है, जो ज़्यादा शहर में रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर पिक्चर देखने जाते नहीं हैं, तो इस पिक्चर को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है कि जो शहरी ऑडियंस भी है वो इससे कनेक्ट हो। आप इस पिक्चर के जो भी क्लिप्स या वीडियोस या ट्रेलर बाहर है उसको आप देखेंगे तो आपको इसका किस वे में इसका डायरेक्शन हुआ है, इसका म्यूज़िक हुआ है, वो सब देख के आपको समझ में आएगा कि ये मूवी अच्छी बनी है। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें का एक गाना वायरल भी हो चुका है। जी जी जी, तो जी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। कलाकारों से मिलते हैं हम फिल्म के कलाकारों से, तो जैसे ही अब आगे देखते हैं कि आगे फ्री कौन है, क्योंकि हर कोई एक एक कलाकार या फिर डायरेक्शन टीम के लोगों को पकड़ कर रखे हैं। जीत शर्मा जी के पास में चलते हैं, जीत शर्मा जी अभी खाली हैं, उनके पास में चलते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। कलाकार मन से गोट बात करत करत अब हम पहुंच चुके हैं जीत शर्मा जी के पास में, और जीत शर्मा जी ला तो आप मन जानते छो यहाँ, और जीत शर्मा जी से आज हम बात करबो तही बनबे मोर दुल्हनिया के बारे में, फिल्म के बारे में। और सबसे पहले आप मन के स्वागत है सर। धन्यवाद। और अपन सावधान छत्तीसगढ़ के जतका दर्शक मन हैं ओला जीत शर्मा की तरफ से नवा साल के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अच्छा सर, आप मन बताते हो ये फिल्म के बारे में, आप मन का जो काम करे हो और कैसे रही सेमा के काम और एक्सपीरियंस लो बताते हो। हाँ, पहली बात तो ये है कि एमा जो मैं करेक्टर करें हैं वो रघु के करेक्टर करें हैं। रघु मतलब एमा जो मतलब अभी तक आप मन जो जीत शर्मा ला देखे हो राधे श्याम ले पहली, कि हमेशा एक सीधा साधा सिंपल सा करेक्टर या दबंग करेक्टर करे हों या ऐसे करेक्टर करे हों, हीरो के हमेशा कर रहे हों। एमा मोर पहली फिल्म रही थी जब मैं विलन के साइन कर रहे हूँ, अलग बात है कि थोड़ा लेट होकर ये फिल्म आते एक पहले राधे श्याम लग गए, मगर एमा जो रघु के करेक्टर है एक अलग ही करेक्टर है, एक अलग ही मतलब जीत अलग जीत दिखी आप मनला, जो रघु दिखी, जीत नहीं दिखी, रघु दिखी आप मनला, एक जो गंजेड़ी है जो कुछ भी कर सकते हैं, पागल है, एक साइको टाइप के इंसान है जो मतलब अपन पिता पर कुछ भी कर सकते हैं जी, इसने है तो मारधार बहुत जानदार फिल्म बने हैं जी।
अच्छा सर, हमारे दर्शक मन से या फिर हमारे जतका जो दर्शक है मन से कुछ कहना चाहो आप मन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे 19 जनवरी के हमारे सिनेमा थे कि तहीं मन में मोर दुल्हनिया, तो आप मन जरूर जाके देखूँ, अपन माया दुलार आशीर्वाद जरूर दूँ। और मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ के जतका भी फिल्म लगत है आप मन से, तो आप मन जरूर जाके देखूँ। कई फिल्में आज तक आप मैं प्रमोशन नहीं हो पाते या नहीं आ पाते, अगर पोस्टर भी दिखते आप मन ला तो जरूर देखो। आप मन माया दुला नहीं दूँ तो फिल्म कैसे चली? और फिल्म चली तभी हम छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी। जैसे कि देखो कहा होते कि भाई साउथ की सिनेमा रही थी पहले, साउथ की सिनेमा बहुत नीचे रही थी, मगर आज साउथ की सिनेमा बॉलीवुड के ऊपर हो गए है। भोजपुरी सिनेमा वाला भी बहुत कम लोग जानत रही थे, मगर आज भोजपुरी सिनेमा भी बड़े हो गए। तो आप मन से यही हमेशा निवेदन करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सिनेमा वाला भी आप मन के प्यार मिली तो एक दिन बहुत ऊँचा चले जाए, बड़ा चले जाए। और सबसे ज़्यादा तो भाई आप मन जैसे जतका प्रमोटर हो आप मन आते हो, और हमन जतका नवा नवा कलाकार सबो जन आप इंटरव्यू लेते हो, तो जो मीडिया के अभाव रही से वो आपन पूरा करते हो। जो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार मन ला समझना चाहिए कि हर जगह के इतना अतका सारा चैनल है जी। भाई भोजपुरी के हो गए या भाई सब जगह के हो गए, उड़ीसा के हो गए, मगर आज वो अभाव है। मगर ओला पूरा कौन करते है? आप मन करते हो, आप मन अतका मेहनत करते हो, अतका अतका दूर दूर जाते हो, कतका मेहनत करते हो। एक फिल्म में हम लोग जतका मेहनत करथन ओकर पाछू जतका टेक्नीशियन है ना भाई, ओकर नाम आखिरी में आते, भली वो पढ़े नहीं जाते, भाई लोग चल देते ले फिल्म खत्म हो गए चल गए, ऐसा नहीं है। ओखर से कहा है कि एक फिल्म के पाछू बहुत लंबी यूनिट है, आप मन हो सब जन हो, कि भाई एक टेक्नीशियन एक स्पॉट बॉय हमारे बन भाई पानी लेके आते, छतरी पकड़ते, यहाँ लाइटमैन होते लाइट पकड़ते भारी भारी, कई बार उनका करेंट लग जाते, कई बार दिक्कत आते, कतका जन चक्कर खा के गिर जाते, बहुत सारी चीज़ें होते और कतका जन के एकर से घर चलते जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ के भाई हमेशा जनता ला कि भाई अतका मेहनत के बाद हम लोग सबो जन के तो आप माया प्यार दुलार हर फिल्म ला दो और आगे बढ़ाओ, ऐसे सुपर ब्लॉकबस्टर हिट करो कि आगे से आगे बॉलीवुड तो हमारे फिल्म के नाम हो जाए जी। बिल्कुल, हम मन चाहबो कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो मन आप मन के जो बात है अतका लंबा आप मन गहन समस्या ला आप मन के बताओ एक जो कलाकार के रूप में कि हमारे पीछे में कतका हमला समस्या होते है, मतलब आप मन के लिए आप मन के मनोरंजन के लिए जो फिल्म बना थे तेकर पर, और जो टीवी चैनल के बारे में आप मन जो बताओ ये चीज़ हमू लखल थे सबे लखल थे, काबर की ये चीज़ तो होना चाहिए। और हमन यही चाहबो हमारे तमाम दर्शक के साथ में कि ये जो फिल्म है वो सुपर डुपर हिट हो और वे कामयाब हम और दर्शक मिलकर जरूर बनाबो और कामयाब करबो। नमस्कार सर, जय जवाहर। और फिल्म तहीं बनबे मोर दुल्हनिया के जो कलाकार हैं विक्रम जी हमारे साथ में हैं। सर आप मन अपन बारे में जैसे फिल्म में जो काम करे हो तेकर बारे में कुछ बताते हो? जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं विक्रम राज। हमारे फिल्म 19 जनवरी के आवा थे जेकर नाम है तहीं बनबे मोर दुल्हनिया। तो ये फिल्म जिसे कि आप मन देखत हो कि इमें जो एक टाइटल है उसके हिसाब से पूरा पारिवारिक मनोरंजक और रोमांस और कॉमेडी से भरे फिल्म है। और फिल्म के निर्माता और स्टोरी के राइटर नीरा वर्मा मैडम है, और इमें संगीत जो सिंगर है सुनील सोनी जी है, अलका चंद्राकर जी है, मोनिका वर्मा है, तुषान कुमार है, और एकर मुख्य किरदार में बोला जाए तो दिलेश साहू है, अनिकृति चौहान है, जीत शर्मा है, पुष्पेन जी है, अनिल शर्मा है, उपासना वैष्णव है, अतका सारे जन कलाकार मन है पिक्चर में। और बोला जाए कि पिक्चर है एक बहुत बड़े परिवार के फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, जो आप मन ला खूब हंसाही रुलाही और खूब मनोरंजन दी। तो मोला पूरा उम्मीद है, एक ट्रेलर भी आ चुके हैं एनवी एंटरटेनमेंट यूट्यूब के चैनल में, एक ट्रेलर ला आप मन देख सकत हो। और ये पिक्चर है 19 जनवरी के छत्तीसगढ़ के बहुत सारा सिनेमाघर में लगी, एक लिस्ट घलो कभी दो चार दिन में आ जाही, सोशल मीडिया में आप मन ला मिल जाही। तो मोर आप मन से विनती है के पिक्चर ला अपन माया दुलार दुहू, और हम सब कलाकार मन ला अपन माया दुलार दुहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अनिल शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अब अनिल शर्मा जी आप मन बताओ कि ये जो फिल्म है वो फिल्म आप मन का करत हो, और सबसे पहले तो आप मन के स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के चैनल जोहार छत्तीसगढ़ ला जनता सावधान छत्तीसगढ़ ला आप मन लाइक करो सब्सक्राइब करो। मैं अनिल शर्मा, जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं ये फिल्म में जी बलदेव सिंह के किरदार करे हूँ जी, जी। जो अपन परिवार से अब्बड़ माया करते, गांव के जतका जनता है वो सबसे माया करते, संयुक्त परिवार है हमर, और अन्याय ला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके, और मैं फाइट भी करे हूँ जी, जी।
अच्छा सर, और ऐसे कुछ बताते हो जेकर से हमर जैसे जो चीज हमला ट्रेलर में नहीं देखे ले मिले, गाना इतना सुंदर है तेमा देखे ले नहीं मिले। सर ट्रेलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिन लोगन मन बहुत पसंद करते हैं, गाना भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसा कुछ फिल्म से जुड़े ऐसे कुछ चीज जिन ला अभी दर्शक मन पता नहीं है, जेकर से दर्शक मन मोटिवेट होके यहाँ तक आ सकें। मैं जैसे कहूँ कि ये कहानी जो है, कहानी में जब दम रही थे स्क्रिप्ट में और ओकर एक एक किरदार में जब दम रही थे और सब जब मिलजुल के काम करते हैं, ये ऐसे नहीं है कि गाना तो हमारे हिट है, गाना बहुत अच्छा चला थे, एकर एक एक किरदार हर रंगमंच और फिल्मों के सदैव कलाकार हैं और एमा कॉमेडी भी है, भोजकू है, अच्छा। कॉमेडी भी है, जी, 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 है ना। तो ऐसे नहीं है कि ये फिल्म फाइटी है या गाना बहुत अच्छा है, सारा चीज के कंप्लीट पैकेज है भाई, पैकेज है। गाना में मजा आ जाइए तो फाइट में मजा आ जाइए। अब फाइट तो बहुत 8 सीक्वेंस फाइट के है और फिर कहानी में अतका बढ़िया उतार चढ़ाव है, आपला इमोशन मिली, ड्रामा मिली, कॉमेडी मिली, तो एक दर्शक लहू कहा चाहिए। ये कंप्लीट पैकेज जब मिलते तो खुश हो जाते और मुस्कुराते हुए थिएटर से निकलते। आप दर्शक मन यकीन दिला सकत है कि दर्शक मन देखे के बाद मन निराश होके नहीं जाए? बिल्कुल नहीं जाही जी, मोर से मिल ही, मोर से मिल ले, निराश हो ही तो ऐसे हो ही नहीं सके ना कि वो निराश हो सके जी, है ना। मैं खड़े रहूं जी दादा, मैं खड़े रहूं वो दिन, और वो दिन का हमार फिल्म हिट होने वाला है तो मैं हर दिन खड़े मिलूंगा आप, है ना। तो परिवार के साथ देखो, पूरा परिवार के साथ आओ, हमार सिनेमा ला प्यार और दुलार दो, यही मोर कहना। धन्यवाद सर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब आपके चैनल सावधान भाई सावधान छत्तीसगढ़ ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपन भरपूर माया दुलार ला दो। धन्यवाद, धन्यवाद। बीच में हमारे साथ में है शौर्य एवं अंकित जी। अंकित जी तो कलाकार के रूप में ट्रेलर में भी आप लोगों को दिखे ही होंगे और साथ में अपने साथ शौर्य जी हैं जो अपने हीरो हैं दिलेश कुमार साहू, अपने एक्शन स्टार, उसके बचपन का किरदार कर रहे हैं। तो दोनों जी का हमारे सावधान छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहर। अच्छा आपको ये पहली फिल्म है आप जो काम कर रहे हो अपनी इसमें? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। कैसा लगा ये फिल्म आपको? पहली बार के हिसाब से बहुत बढ़िया था, मेरे को बहुत मज़ा आया जी। अच्छा एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ जो फिल्म में करने के बावजूद और कुछ लगा हो ऐसा कुछ? फिल्म में करने के बावजूद मेरे को सबसे बढ़िया तो मेरे सारे क्रू मेंबर्स और सारे एक्टर्स लगे। मैं पहली बार कर रहा था तो कैमरे के सामने कोई भी अटक जाए, बट मैं एक भी बार नहीं अटक पाया क्योंकि मेरे को सब लोग ने इतना घुल मिल गया था, मैं सबके साथ बहुत ज़्यादा ही जल्दी, मतलब सबके साथ बॉन्डिंग बहुत, हाँ, बहुत अच्छी हो गई थी मेरी। जी जी जी। सर आप बता सकते हैं, आप सुना हूँ आप कहीं बाहर से हैं, अपने छत्तीसगढ़ से नहीं है? जी एक्चुअली मैं हूँ उड़ीसा से, कटक से, पर मेरी जो पढ़ाई हुई है वो छत्तीसगढ़ में ही हुई है, राजकुमार कॉलेज में। और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं बॉम्बे में काम करता था, फिल्म एक्टिंग सीखा है मैंने, डिप्लोमा किया हुआ है किशोर नमित कपूर से जो कि मुंबई में है। और फिर मैम की जो प्रोडक्शन हाउस है एनवी एंटरटेनमेंट, उसकी तरफ से मुझे एक ऑडिशन का कॉल आया था जो कि मैंने वो ऑडिशन यहाँ पे आके दिया उनके प्रोडक्शन हाउस में। उसी प्रोसेस के दौरान शायद कि मेरा काम या मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा प्रोड्यूसर्स को और मैम को, तो उसी दौरान मेरे को ये किरदार मिला जिसका नाम है प्रेम, जो कि दिलेश भाई जो है हमारे जो हीरो हैं शिवा, उनके छोटे भाई का किरदार निभा रहा हूँ मैं। जी जी जी। इसमें देखने को मिला कि आपकी भी लव स्टोरी चल रही है फिल्म में, ट्रेलर में? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा प्रेम जो है, प्रेम के किरदार के बारे में थोड़ा सा आपको कहूँगा, क्यों ना पूरा नहीं कह सकता अब कि मेरी लव स्टोरी क्या है कैसी है, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप सब मनला कि प्रेम जो है वो एकदम, जो मैंने शब्द सीखा है जो यहाँ पे आके, वो है चिड़ी मार है, एक नंबर का चिड़ी मार है प्रेम। और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है तो वही 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र होती है, जो बचपन मतलब बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें वो ऐसा चिड़ी मार है कि वो उसकी एक दुल्हनिया नहीं है, उसकी कहीं दुल्हनिया है। तो ऐसा है कि तेही सब बन बे मोर दुल्हनिया करके प्रेम बोलता है, तो उसका किरदार थोड़ा सा ऐसा है कि वो जिंदगी को बहुत हल्के में लेता है, मस्ती करता है, मज़े करता है, पर इतना सीरियस नहीं लेता अपनी ज़िंदगी को। जी अच्छा, इसके बाद में जैसे अभी जो प्रमोशन चल रहा है या प्रमोशन के द्वारा हमारे कलाकार जो भाई बंधु हैं उनके लिए आप जाते जाते कुछ कहना चाहो उनके लिए?
सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मैं जैसे उड़ीसा से हूँ और मुझे छत्तीसगढ़ी आती नहीं है, पर मैं बकायदा इतना आपको गारंटी में बोलता हूँ कि मैंने इसके लिए इतना परिश्रम किया है कि मैंने पूरा छत्तीसगढ़ी जो है कुछ दिनों पहले शूटिंग के आने से पहले आके मैंने सीखा है छत्तीसगढ़ी बोलना, पूरा डायलॉग्स अपने सब कुछ मैंने उसके ऊपर काम किया और बकायदा मैंने फिल्म में अपने ही कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ी में ही बोला है और प्लस मैंने अपनी डबिंग भी खुद ही की है। तो इसलिए मैं इतना बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे को नहीं आता है तो मेरे को उस टाइम काफ़ी घबराहट थी, फिल्म शुरू करने से पहले बहुत घबराहट थी कि यार मैं बोल कैसे पाऊँगा, अटक जाऊँगा बीच में, अटक जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा वो मोमेंटम चले जाता है। पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरी जो कास्ट थी फिल्म की इतनी मददगायक थी, इतनी हेल्प किए हैं, इतना सपोर्ट किए हैं कि अगर जैसे ऐसा हुआ है बहुत बार कि कुछ सीन्स में कहीं पे अटक रहा हूँ, कोई शब्द मुंह में आने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो जो हमारे दिलेश भाई हैं, अनिकिति जी हैं और जीत भाई लोग हैं, तो उन लोग सभी के पास मैं ऐसे हम लोग बैठते थे, बहुत घुल मिल गए थे, बहुत दोस्ती आ रही थी, तो हम लोग जो बैठते थे बातें करते थे, अब मैं उनके पास जाता था बीच बीच में कि भाई दिलेश भाई ये वाला लाइन थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए कैसे बोलते, तो बकायदा मेरे को बोल के बताते थे कि तू ऐसे बोल या इसको थोड़ा सा बदल के बोल, बढ़िया आएगा, कुछ नहीं होगा, तो बहुत मदद की, जिसके कारण मेरे को बोलने में और आसानी हुई और मैंने जो बोला है वो अब दर्शक देखेंगे तो थिएटर में तो देखते हैं, थोड़ा सा माया दुलार मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बचपन में जो बचपन का जो आप करेक्टर कर रहे थे वो किस तरह का है, उसमें दिलेश जी कैसे किस तरह से आ रहे हैं बचपन? वो कैरेक्टर जो था वो क्या था उसमें बच्चा, वो मैं उसके ज़्यादा बारे में बता नहीं पाऊँगा, बट वो ना था थोड़ा नटखट था, घुल मिल गया था उसको, प्यार मिल गया था फाइनली बचपन में, हाँ, और घर वालों का भी प्यार उसको मिल गया था। जी जी जी। तो वो बहुत नटखट सा था वो। अच्छा अच्छा सर, हेमंत जी और आपका बॉन्डिंग देखने को मिलेगा शायद इसमें, ऐसा कुछ लग रहा है ना? अगर जैसे कि आप लोग ट्रेलर में तो देखे ही हैं, तो मैं अभी तो ज़्यादा आप लोगों को कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्यों ना अगर आप लोग अभी से ही जान लेंगे तो फिर वो मज़ा जो है वो चले जाएगा। पर जी, हेमा जी के साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताया है शूटिंग के दौरान, बहुत मंझे हुए कलाकार है, अभी उनकी जो पिक्चर भी चल रही है, अब तो सुपर डुपर हिट भी चल रही है उनकी पिक्चर जो है गुहियाँ, तो उनके साथ भी काम करने बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हमारी स्क्रीन टाइम एक दूसरे के साथ है काफ़ी फिल्म में, वो आप देखेंगे, और कैसे है, किस लिए है, किस वजह से है, वो सब के लिए आपको 19 जनवरी को आके ही बन में मोर दुल्हनिया देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी और हेमा जी की क्या किरदार है साथ में। जी जी बिल्कुल। और ये थे अंकित जी एवं सौर्य जी, इन दोनों से हम अब विदा चाहेंगे क्योंकि हमें और भी कलाकारों से आप लोगों को रूबरू कराने हैं, इसलिए धन्यवाद आप दोनों का, फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना, थैंक यू फिल्म के दिन में। तो संगवारी हो, अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं संगीता निषाद जी, और संगीता निषाद जी से चाहबो हमन कि सबसे पहले तो संगीता निषाद जी आप मन के स्वागत है हमारे श्रद्धान छत्तीसगढ़ सबो जन ला, धन्यवाद आप दर्शक मन ला, मैं संगीता निषाद। अच्छा मैम, हम चाहतन कि आप मन के अवैया जो अभी फिल्म है 19 जनवरी से ओखर बारे में आप मन बता दो, आप मन के करेक्टर के बारे में बता दो, और फिल्म में का कुछ देखे ला मिली तेखर बारे में बता दो। फिल्म बहुत अच्छा है, आप मन जरूर देखे बरा हो। फिल्म में पारिवारिक फिल्म है, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, बहुत अच्छा अच्छा गाना है, और ये फिल्म में मैं हाँ बुआ के किरदार में हूँ इस बार। अच्छा, काखर बुआ के हीरो हीरोइन? मैं दोनों के बुआ हूँ। अब ये फिल्म में कैसे मैं दोनों के बुआ हूँ ये आप मन जरूर देखो, तब पता चली कि कैसे मैं दोनों के बुआ हूँ। अच्छा चलो ठीक है, एक सस्पेंस बन गए जैसे कि हाँ है ना, अब कैसे बुआ हो तेल आप मन देखो देखो, एक जन के बुआ हो सकते हो ना भाई, या हीरो हीरोइन के पक्ष बोलते नहीं फुफू सास, या यति के फुफू सास या उतिक फुफू सास, बिल्कुल, लेकिन मैं दोनों के बुआ कैसे हबो ये फिल्म ला देखू तभी समझ आई। बिल्कुल ये भी सही है। और का कुछ देखे ला मिली मैम ये फिल्म? ये फिल्म में बहुत अच्छा हमार फैमिली बैकग्राउंड देखे मिली आप मन ला, और हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री देखे मिली, और विलन मन के अब ओकर मन के फैमिली तो अलग ही, तो ओकर मन के अलग देखे मिली, बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना देखे मिली, अच्छा अच्छा लोकेशन देखे मिली, और हमार मन के हीरो हीरोइन मन के बचपना है ओला देखे मिली आपसे सबसे पहले। तो ठीक है मैम, आप मन से मिल के बहुत खुशी हुई, और हमन चाहबो कि आप मन के फिल्म बहुत आगे जाए, सुपर डुपर हिट हो, और फिर हमन और आप मन ला तमाम और जो कलाकार हैं तमन से मिलाते रहतन, आगे बढ़तन। जय जोहार। जय जोहार। दोस्तों अब हमारे साथ में जुड़ गई हैं पूजा वैष्णव जी, जिन्हें आप जानते ही होंगे, क्या जानते हैं लोग आपको?
हाँ थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे क्योंकि मैं मॉडलिंग करती हूँ ना, तो अभी मिस डिवा का अवार्ड मिला है तो मेरे को थोड़ा बहुत जानते हैं अभी। उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू। और जैसे आज हम फिल्म के बारे में बात करेंगे, तहीं बन बे मोर दुल्हनिया के बारे में, मैम आप बता सकती हैं कि इस फिल्म में आपने कैसा काम किया है, किस प्रकार से आपका काम हुआ है, आप किसके अपोजिट हैं, क्या कर रही हैं? अच्छा, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मल्ला, मैं मोर नाम है पूजा और मैं यहाँ कलतरा में रही था। तो आप मल्ला बता के बहुत खुशी होते संगवारी हो कि तहीं बन बे मोर दुल्हनिया 19 जनवरी को आने वाला है। तो आप मन सब परिवार अपन मतलब कि साथ में पिक्चर देखे पर जाओ और अपन नया दुलार बनाए रखो। और ये मूवी में मोर कुछ रोल नहीं है, मैं सिर्फ मतलब कि ऐसी आया हूँ मस्ती करे पर। अच्छा, तो वैसे ही लेते हैं ना। अच्छा मैम, आप दर्शक से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं दर्शक मन से यही बोलना चाहता हूँ कि तहीं बन बे मोर दुल्हनिया 19 जनवरी का आने वाला है, तो आप मन जरूर जाओ और अपन नया दुलार बनाए रखो। धन्यवाद मैम। एक्शन स्टार दिलेश साहू जी से मिला था, जेन है फिल्म में काम करते हैं और अपन के एक्शन दिखावत हैं, जलवा दिखाए ये पिक्चर में। और कई सारे जो ट्रेलर में आप मन देखे हो, तबाही मचत है जी शर्मा जी के साथ में। सर आप मन के स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपला और चैनल के सबो दर्शक मल्ला, मोर जय जोहर जय छत्तीसगढ़। अच्छा सर, आप मन थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताते हो हमारे दर्शक मल्ला। पिक्चर के बारे में बोलूँ, पिक्चर बहुत अच्छा बने हुए हैं और काफ़ी आप मन पसंद करते थे हमारे दर्शक अभी ट्रेलर लेके, बहुत अच्छा सुगर कमेंट कर रहे थे गाना लेके, तो टेक्निकल फाइट वाइट लेके कहानी बने लेके बहुत अच्छा हमन एक नया बनाए हैं और नया कुछ दिखाए के कोशिश करें ये फिल्म में। तो आप सब ला 19 जनवरी के बिल्कुल ये पिक्चर में दिखी हुआ। हाँ हाँ, ये फिल्म के बारे में ऐसे कुछ और बताओ जैन हमला अभी तक पता नहीं चली से, ट्रेलर में नहीं दिखी से, वो जो गाना वायरल हुआ थे तेमा नहीं दिखी से, ऐसा कुछ चीज़ आप मन? वो चीज़ ला तो मैं आप ला बताऊँ जरूर, लेकिन काफ़ी ज़रूरी जो बात है जो आप बोले हो कि ट्रेलर में जो दिखा थे वो चीज़ आपला फिल्म में ओकर से कई गुना ऊपर आपला देखे मिली और दर्शक ला बहुत काफ़ी चीज़ ये फिल्म में मज़ा ही इंटरटेन कर ही, चाहे कॉमेडी लेके हो, चाहे फाइट लेके हो, चाहे गाना लेके हो, तो काफ़ी एक नया कुछ दिखी है फिल्म में। और ये काबर की और फाइट लेके बोलूँ तो कि विलन इतना ख़तरनाक है, तो फिर आप समझ जाओ कि फाइट कितना ख़तरनाक हो ही। लगभग ये फाइट है हमारे फिल्म में 5 से 6 फाइट है, 6 फाइट है लगातार, तो लगातार ये नहीं है कि लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से वो फाइट है और फाइट बहुत अच्छा डिज़ाइन हुए हैं। जिला आप मन ट्रेलर में देख सकते हो, कुछ कुछ शॉट है, डायलॉग्स वाले बहुत अच्छा है फिल्म के और सब फैमिली के साथ आप मन देख सकते हैं, पब्लिक है हमारे दर्शक है सब परिवार के साथ ये पिक्चर ला उठ बैठ के देख सकते, कहीं पर भी कोई ऐसा कोई वल्गर नहीं है फिल्म में। तो संगवारी आप सबसे अपील करता हूँ कि 19 जनवरी के आप सब परिवार के साथ पहुँचाओ देखे बार फिल्म तहीं बन बे मोर दुल्हनिया और अपन भरपूर आशीर्वाद मैं दुलार दो। जय जोहर जय छत्तीसगढ़। अनिकृति मैम आपका स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सावधान छत्तीसगढ़ को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँ कि अब मोर गुड बात आप मन के द्वारा पब्लिक तक जाए। अच्छा मैम, आपके जो नवा फिल्म आवा थे 19 जनवरी 2024 के, वो फिल्म के बारे में आप मन बता दो, अपन एक्सपीरियंस बताया की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं बता दूं 19 जनवरी के फिल्म लगने वाला है, तो आप मन झारा झारा नेता है। ये पिक्चर के शूटिंग हमन 45 दिन में करे हैं और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर मैम के साथ लेके हमारे पूरे टीम के बहुत मेहनत लगे है। और ये एक चीज़ यह बताना चाहूँ कि ये पूरा पारिवारिक मसाला फिल्म हमन लेके आए हैं, जेमा एक्शन है, डांस है, मस्ती है, बहुत कुछ है। लेकिन बोलते ना कि हमन अपन चीज़ की तारीफ करबो तो बोलते ना मुँह मियाँ मिठ्ठू होवत हैं, तो हमन वो तो नहीं बोलूँ लेकिन पब्लिक ले मैं न्योता देता हूँ कि 19 तारीख को आवाओ फिल्म ला देखो, ओखर बाद बताओ कि कैसे लगे फिल्म। मोला उम्मीद है कि आप मन पैसा वसूल पिक्चर ला ज़रूर पसंद करूँ देखूँ। जी चलो धन्यवाद। तो अब जैसे कलाकारों के बीच में हमारे साथ में शरण्या पांडे जी जुड़ चुकी हैं, ये भी इस फिल्म में क्या कर रही थी और क्या कर रही हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आप इनसे। अच्छा सबसे पहले तो आपका स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। थैंक यू। अच्छा मैम आप बता सकती हैं आप क्या काम कर रही हैं इस फिल्म में? एक्चुअली मैं चाइल्डहुड रोल कर रही हूँ जो एक्ट्रेस है उसका। जी चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड किसका? अनिकृति। हाँ उनका ही बचपन का रोल। जी तो ये हैं
चाइल्डहुड आर्टिस्ट अनिकृति जी का ये करेक्टर प्ले करेंगी बचपन का। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, इस फिल्म का कैसे आपको ये काम मिला, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये मेरी पहली मूवी थी तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और फिर ये बस मिल गया, बस मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। नहीं, काम कैसे मिला आपको, क्या आपने ऑडिशन दिया या फिर ऐसे परिचित थी मैम से, नीरा मैम से, या फिर? नहीं, मैंने ऑडिशन दिया था। ऑडिशन दिया था? हाँ, और फिर मेरे पापा की साथ में ही थी ना ये होम प्रोडक्शन, इसलिए। जी 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 जी। तो ऑडिशन भी दिया था लेकिन मैंने। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। अच्छा, कब आ रहा है ये फिल्म, दर्शकों को बता दें, या फिर और आप ऐसा कुछ कर रही हो जिसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ में आप बतलाना चाहो, साझा करना चाहो? मूवी जो है 19 जनवरी को आ रही है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर और कुछ आप कर रही हो? वो जैसे सुनने में मिला था कि आप गाना भी, ऐसा कुछ आ रहा है आपका? हाँ, वो सैटरडे 6 जनवरी को आ रहा है, मेरा गाना, जो मैं गाने में फीचर्ड हूँ। जी, यही तो पूछ रहे थे कि आप बता नहीं पा रही थी, और हम पूछना चाह रहे थे, वो ऐसे सुना था मैं। ठीक है, हाँ, वो आ रही है सैटरडे को। तो ये थी अपने चाइल्डहुड आर्टिस्ट अनिकृति जी का इस फिल्म में तही बनबे मोर दुल्हनिया में, ये चाइल्डहुड आर्टिस्ट के रूप में आएंगे अनिकृति जी का। तो ऐसे ही और तमाम कलाकारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए जय जोहर, थैंक यू। थैंक यू।